बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो मीडिया के अंदर और आम लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा बात डिस्कस की जा रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा दुखी वालदैन हैं या वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो इस माहौल और इस वाक़े से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम और हमारा रवैया और हमारे इखलाकी रवायात कहाँ जा रही है। इस वाक़े के ऊपर जितना मातम किया जाए कम है और उससे ज़्यादा मातम इस बात पे किया जाए कि हमारे वो लोग जिन्होंने इस मुल्क, इस माशरे, इस कौम की इखलाकियात का दर्स देना था और जिन्होंने इस कौम, इस माशरे को इखलाकी तौर पे उठाना था, वो लोग और उनके खानवादे इसमें मलबस हैं। ये बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँचेगी, ये अभी कहना काबिल वक्त है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका ताल्लक भी इसी रीजन से है, वो सहाफ़ी हैं। मेरी उनसे जब बात हुई तो वो इस कदर दुखी थे और वो इस कदर इस बात पे नालां थे कि हमने ये चीज़ बारहा उठाई, रिपोर्ट की, मगर इस पे कोई एक्शन ना लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे जो दिल दहला लेने वाली बात है और दिल को दुखी कर देने वाली बात है वो ये है कि हम जब इसका बगौर जायज़ा लेते हैं तो इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना था, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी। जो स्कैंडल सामने आया, जो कुछ हुआ, वो एक अपनी जगह बात है, उसका मातम अपनी जगह है, मगर उससे बड़ा मातम ये है कि इसमें मुलव्वस वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी। सबसे पहले जो डॉल्फिन पुलिस का एक अहलकार पकड़ा गया और उससे जो कुछ बरामद हुआ, उससे ये बात आगे चली और ये वो पहला शख्स था शायद जिससे ये नशा बरामद हुआ और वो वीडियोस बरामद हुई जिसमें उस वफाकी वज़ीर के बेटे का नाम आया और वीडियो सामने आई, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे की ये वीडियोस और इस तरह के कामों में मुलव्वस है, लिहाजा उसे आप देखें। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से अपने बेटे को बचाने के लिए अपना हर वो जायज़ और नाजायज़ हथकंडा इस्तेमाल किया, जिससे ये बात खुलती चली गई और हकीकत में उस वफाकी वज़ीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए जब पुलिस पे दबाव डाला तो पुलिस ने उन तमाम किरदारों को पकड़ने का इंतज़ाम किया और उन तमाम किरदारों को पकड़ने के लिए तगोदौल शुरू कर दी, तो यूं ये स्कैंडल सामने आता चला गया। इसमें जितनी बात कही जाए और जितना कहा जाए वो उतना ही खुलता चला जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि उस वफाकी वज़ीर के बेटे को बचाने के लिए इन किरदारों की गिरफ्तारी, ताकि उसकी वीडियोस और वो तमाम मवाद जो उनके टेलीफोन्स में है उनको डिलीट किया जा सके, इसलिए ये कार्रवाई शुरू की गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। जब ये सामने आया तो रोंगटे खड़े हो गए कि इस मुल्क खुदादाद जो इस्लाम के नाम पे बना था उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जिस बात पे मातम किया जाए, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि इसमें वो लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, हमें प्रोटेक्ट करना था, वो लोग इसमें मुलव्वस हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे बच्चियाँ जिनको बचाने के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रखा गया था, जिसने उन्हें प्रोटेक्ट करना था, वही सबसे बड़ा कारिंदा निकला और वही सबसे बड़ा भेड़िया निकला जो इस काम में मुलव्वस था और वही सबका सरगना था। और फिर उस पे बात एक और जो सबसे दिल खराश सामने आई है
कि ये जहां उस मेजर रिटायर्ड एजाज शाह का फार्म हाउस था, वहीं पे एक रिटायर्ड एसपी का भी फार्म हाउस यूज़ किया जाता था जहां ये पार्टियां की जाती थी। अब लम्हे फिक्रिया ये है कि वो तमाम वालदैन जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहते हैं और ख़ासकर बच्चियों को, उनकी राय क्या होगी, उनकी सोच क्या होगी और वो आगे चलकर बच्चियों की तालीम को लेकर क्या सोचते होंगे। वालदैन जिस कदर खौफजदा हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस खौफ की फ़ज़ा में कुछ बयान करना और कुछ कहना मुश्किल और मुश्किलतर होता जा रहा है। अगर ये वाक़या किसी महज़्ज़ब माशरे में हुआ होता तो आज वालदैन, स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी सड़कों पर होती, मगर हमारे यहाँ हू का आलम है। क्यों कि लोगों को पता है कि हमारे हकूक़ कहाँ से मिलने हैं और कहाँ से नहीं मिलने हैं। जहाँ हमें तहफ़ के नाम पे ये ममलकत खुदादाद बनाई थी, वहीं पे ना हमारी इज़्ज़त का तहफ़ है ना हमारे माल का तहफ़ है। वो अदारे जिन्होंने हमें तहफ़ फराम करना था, वो ना जाने किन कामों में मशगूल हैं कि आवाम और आवाम की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। आगे ये एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, शायद इसमें बहुत से यूनिवर्सिटियाँ, बहुत से कॉलेजेस इन्वॉल्व होंगे। इसमें एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसमें ऐसे लोगों को निकाल बाहर किया जाए जो इस माशरे, इस सोसाइटी के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। ये कितना दिल खराश वाकया है कि वो दरसगाह जहाँ से मुस्तकबिल के मेमार निकलने थे, वहाँ से नशई और दूसरे गैर इखलाकी कामों में मुलव्वस लोग निकल रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने इस माशरे को उठाना था और इस माशरे के लिए, इस माशरे की इखलाकियात पे काम करना था और इस माशरे को सुधारना था, वो ख़ुद ऐसे भेड़िए निकले कि उन्होंने इन मासूम जिंदगियों को रौंद डाला। न जाने ये कब से चल रहा था और कब तक चलता रहेगा। हमें ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हमें सोचना चाहिए कि वो तरीक़ाकार हमने जो बदल दिया, जिसके लिए हमें ये मुल्क मिला था और जिसके लिए हमने ये हासिल किया था, हम उस लाइन से, उस रास्ते से हटे और आज हम पस्ती के उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं कि जहां शायद हमारे लिए निकलना मुश्किल और मुश्किलतर होता जा रहा है। ये उन तमाम अदारों और उन तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो इस मुल्क के कर्ता धरता है, और ख़ासकर अवाम उन लोगों को देखे कि जो एक वफाकी वज़ीर जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए इतना ज़ोर लगाया, और वो कहते हैं ना कि खुदा के हर काम में अच्छाई होती है, अगर वो ये ज़ोर ना लगाता अपने बेटे को बचाने के लिए तो शायद ये स्कैंडल सामने ना आता। हमारी और हम जैसे तमाम वालदैन की उन अदारों से रिक्वेस्ट है कि वो इन जैसी तमाम यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं उनको रोका जाए और बेटियों की और बच्चों की तालीम को जारी रखा जाए ताकि ऐसे स्कैंडल बार बार सामने ना आए। हम पता नहीं, इखलाकी तौर पर मैं हसन नसार की उस बात से एग्री करता हूँ कि वो बार बार एक बात कहते हैं कि इस मुल्क का मसला माशी मसला नहीं है, इस मुल्क का मसला इखलाकी मसला है, कि हम इखलाकी तौर पे इस कदर गिर चुके हैं कि हमें कोई चीज़ कहीं भी सिक्योर नहीं है। वो कोई भी अदारा हो, कोई भी मामला हो, हमें उसमें दो नंबरी और उसमें धोखा, फ्रॉड और झूठ ही नज़र आ रहा है और हो रहा है। तो हमारा मसला शायद माशियात से ज़्यादा इखलाकी है, और अगर हमने अपने आप को इखलाकी तौर पे ठीक ना किया तो वो वक्त दूर नहीं कि जो कौमें इस कदर इखलाकी पस्ती में गिर जाएं फिर उन्हें अल्लाह के अजाब से
کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔